नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 जनवरी। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार राजस्व रिकॉर्ड की प्रणाली में हुआ बड़ा बदलाव। नीतीश कैबिनेट में इन महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी मुहर। अब जल जीवन हरियाली योजना के लिए भी बनेगी मेंटेनेंस पॉलिसी। 41,772 शिक्षकों को शिक्षा विभाग देगा विशेष ट्रेनिंग। शिवा बनी दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध मैदान पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। RRC NWR ने 2026 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर ने विभिन्न ट्रेड में अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 2026 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को 50% अंकों के साथ मैट्रिकुलेशन पास होने के साथ ही रिलेवेंट ट्रेड में ITI पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 फरवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcjaipur.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। नीतीश कैबिनेट में इन महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। थरवट विकास योजना के तहत 29,28,35,000 की अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई है। कक्षा 1 से 10 तक पढ़ाई कर रहे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए पढ़ई मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के संचालन के लिए स्वीकृति दी गई है। राज्य के नगर निगम क्षेत्र में नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2022 के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। बिहार विधानसभा के सप्तम सत्र तथा विधान परिषद के 202वें सत्र की समाप्ति पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिली है। बिहार के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर के तहत वित्तीय वर्ष 2022 से 23 से 24-25 तक 3 वर्षों के लिए कुल 104,36,00,000 की योजना की स्वीकृति दी गई है एवं चालू वित्तीय वर्ष में 41,92,00,000 की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा भी इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई। नवोदय विद्यालय में इतने तारीख तक करें आवेदन। वैसे छात्र जो नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं ये खबर उनके लिए है। बता दें कि नवोदय विद्यालय समिति की ओर से सत्र 2023-24 में छठी कक्षा में एडमिशन लेने के लिए आवेदन करने की तारीख घोषित कर दी गई है। घोषित तारीख के अनुसार अब छात्र 31 जनवरी तक नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं इसकी लिखित परीक्षा 29 अप्रैल को आयोजित की जाएगी जिसका रिजल्ट जून में जारी किया जाएगा। बता दें कि इस विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए छात्रों की योग्यता भी जारी कर दी गई है जिसकी जानकारी छात्र विद्यालय की वेबसाइट navodaya.gov.in पर एडमिशन के सेक्शन सेंटर पर जाकर हासिल कर सकते हैं। अब जल जीवन हरियाली योजना के लिए भी बनेगी मेंटेनेंस पॉलिसी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बीते दिन जल जीवन हरियाली के मौके पर ऐलान करते हुए कहा है कि जल जीवन हरियाली के लिए भी मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से जल जीवन हरियाली को 2 साल और बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि अब हमारे पास इस योजना के जरिए अपने लक्ष्य को हासिल करने का अतिरिक्त अवसर है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस योजना के तहत जितने भी कार्य किए गए हैं उसे लेकर अधिकारी सचेत रहें और सरकार इसके मेंटेनेंस पॉलिसी को लेकर भी जल्द फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि अगर इस योजना के तहत किसी को अतिक्रमण हटाओ योजना के दौरान हटाया जा रहा है तो उसके लिए सरकार की ओर से आवास की भी व्यवस्था करना तय किया गया है। शराब कांड पर सुप्रीम कोर्ट में इस दिन होगी सुनवाई। छपरा जहरीली शराब कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 9 जनवरी को सुनवाई की जाएगी। दरअसल छपरा में शराब से मरने वाले लोगों के परिवार वालों को मुआवजा देने और जांच करने को लेकर जनहित याचिका दर्ज की गई थी। दर्ज की गई याचिका में यह मांग की गई है कि शराब कांड के मामले पर जांच करने को लेकर SIT की टीम गठित की जाए और उनसे ही इससे जुड़ी सारी जांच कराई जाए। इसके साथ ही यह भी मांग की गई है कि बिहार में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर सरकार की ओर से रोक सुनिश्चित किया जाए। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 9 जनवरी की तारीख को निर्धारित किया गया है।
ऑरेंज अलर्ट जारी, अभी 3 दिन रहेगा घना कोहरा। मौसम विभाग के अनुसार अभी राज्य में ठंड और कोहरे की स्थिति बने रहने के आसार है। राज्य भर में माध्यम से घने कोहरे की स्थिति 3 दिन बनी रहेगी। बता दें कि राज्य में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रति चक्रवात से राज्य में 2 तरफा हवाओं का प्रवाह है। वहीं कहीं कहीं नमी वाली पुड़वा और शुष्क ठंडी हवाओं के मिलन से घना कोहरा और बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक शाम 4 बजे औसत न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। दृश्यता कम रहेगी। बिहार राजस्व रिकॉर्ड की प्रणाली में हुआ बड़ा बदलाव। विशेष सर्वेक्षण के तहत तैयार किए जा रहे बिहार राजस्व रिकॉर्ड की प्रणाली में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब एक राजस्व ग्राम के विभिन्न ग्राम के विभिन्न टोलों को अलग अलग मौजा माना जाएगा और सभी टोलों को अलग अलग सीट पर स्वतंत्र रूप से नक्शा भी तैयार किया जाएगा और साथ ही नक्शे में राजस्व ग्राम एक नाम के साथ मूल थाना संख्या और बट्टा संख्या भी अंकित किया जाएगा। बता दें कि यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि बिहार के सरकारी रिकॉर्ड में जमीन के नक्शा और पैमाइश में तकनीकी खामी को दूर किया जा सके। इसके लिए निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप जय सिंह के द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारियों के लिए मार्गदर्शन भी जारी किया गया है। मगध विवि के छात्रों ने आरजेडी ऑफिस में किया हंगामा। बीते दिन मंगलवार को मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा बिहार के पटना में राजद के प्रदेश कार्यालय में नए साल की पहली जन सुनवाई के दौरान जमकर हंगामा किया गया। इस दौरान छात्रों ने जमीन पर बैठकर जमकर नारेबाजी करते हुए मांग की कि 2017 से लेकर 2020 तक के सेशन को नियमित किया जाए। छात्रों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर अपनी बातों को उन तक पहुंचाने की कोशिश की। इस मामले पर छात्रों का कहना है कि उनके द्वारा सेशन को नियमित करने की मांग काफी समय की जा रही है, लेकिन उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहां तक कि कुलपति भी बदल रहे हैं, पर इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 1 फरवरी से होंगे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के घरेलू मैच। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के महाप्रबंधक सुनील कुमार सिंह के द्वारा जिला संघों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से घरेलू टूर्नामेंट को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बैठक में शामिल सभी लोगों को घरेलू टूर्नामेंट के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये सभी मैच बीसीसीआई के नियमों के द्वारा संचालित किए जाएंगे। वहीं इन मैचों पर किए जा रहे खर्च का वहन बीसीए के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने यह कहा कि यह टूर्नामेंट फरवरी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें अपने अपने जिले से 25-25 खिलाड़ियों को निबंधित किया जाएगा। वहीं एक बार निबंधित हो जाने के बाद खिलाड़ियों के नाम और संख्या में किसी प्रकार की कोई बदलाव नहीं की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घरेलू मैचों के लीग में कुल 72 तथा सभी मैचों को मिलाकर एक फॉर्मेट में कुल 100 मैच खेले जाएंगे। बोधगया में समाहित हुआ मिनी वर्ल्ड, महाविद्यालय का हुआ शिलान्यास। बिहार के बोधगया में लगभग 48 देशों से पहुंचे श्रद्धालु और पर्यटक से अलग अलग देशों की झलक देखने को मिल रही है। ऐसे में ऐसा महसूस हो रहा है कि बोधगया में मिनी वर्ल्ड समाहित हो गया हो। दरअसल बोधगया में धर्म गुरु दलाई लामा के आगमन से पहले ही इन बड़ी संख्या में लोगों का आना यहां शुरू हो गया था, जिसके कारण यहां अलग अलग वेशभूषा और अलग अलग संस्कृति देखने को मिल रही है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का बोधगया में प्रवास 20 जनवरी तक चलेगा। बता दें कि बीते दिन दलाई लामा के द्वारा दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का शिलान्यास किया गया। इस महाविद्यालय में भारतीय मनोविज्ञान और बौद्ध धर्म से जुड़े विषयों के बारे में शोध व अध्ययन होंगे। बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार आवेदन की तिथि बढ़ी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाने वाली स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 15 जनवरी तक कर दिया गया है। यानी कि अब वे स्कूल भी इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं जो पहले आवेदन करने से चूक गए थे या जिन्हें अपने आवेदन में कुछ सुधार करना हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसके लिए कुल 69,900 स्कूलों को आवेदन करना था, लेकिन अब तक केवल 62,629 स्कूलों के द्वारा ही आवेदन किया जा सका है। वहीं जिन स्कूलों के द्वारा आवेदन किया जा चुका है उन स्कूलों का 2 जनवरी से भौतिक सत्यापन भी शुरू कर दिया गया है। बता दें कि जिला स्तर पर स्कूलों का भौतिक सत्यापन 31 जनवरी तक किया जाएगा, तो वहीं राज्य स्तर पर स्कूलों का भौतिक सत्यापन 1 से 28 फरवरी तक पूरा किया जाएगा। मुजफ्फरपुर से जाली नोट तस्कर हुआ गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से पुलिस के द्वारा बीपीएससी की तैयारी करने वाले एक युवक की गिरफ्तारी कर उसे जेल भेज दिया गया है। बता दें कि यह गिरफ्तार युवक हाजीपुर का जाली नोट तस्कर प्रफुल्ल कुमार है। वहीं इस मामले को लेकर पूछताछ किए जाने के बाद पुलिस के हाथों कई अहम सुराग लगे हैं, जिसमें यह पता चला है कि प्रफुल्ल के पास 50 रुपए के 23 जाली नोट हाजीपुर के विपिन के द्वारा आए थे, जिसके बाद मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा हाजीपुर पुलिस को इस बारे में अवगत करा दिया गया है। बता दें कि पूछताछ से यह
यह भी पता चला है कि जाली नोटों का रैकेट हाजीपुर, मुजफ्फरपुर के साथ साथ मधुबनी, सीतामढ़ी, सिवान और गोपालगंज समेत कई जिलों में चलाया जाता है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि इन जाली नोटों की सप्लाई बॉर्डर पार से की जाती है। बेंगलुरु से आ रहे विमान से पटना एयरपोर्ट पर टकराया पक्षी। बीते दिन पटना एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा टल गया। दरअसल पटना एयरपोर्ट पर बेंगलुरु से आ रहे गो एयर की फ्लाइट संख्या GR 274 की लैंडिंग के दौरान विमान से एक पक्षी टकरा गई, जिसके बाद पायलट की सूझबूझ से विमान को पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करवाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान प्लेन में 142 यात्री सवार थे। हालांकि पक्षी के टकराने से फ्लाइट में मौजूद यात्रियों को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं। इसके साथ ही विमान को भी कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं इस मामले को लेकर एयरपोर्ट प्रशासन और गो एयर की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी 19 जून 2022 को पटना से दिल्ली जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट से पक्षी टकरा गई थी, जिसके बाद इंजन में आग लग गई थी। 41,772 शिक्षकों को शिक्षा विभाग देगा विशेष ट्रेनिंग। शिक्षा विभाग के SCERT के द्वारा राज्य के शिक्षा संस्थानों में प्रदेश के प्रारंभिक स्कूलों में नव नियुक्त कुल 41,772 शिक्षकों को विशेष प्रारंभिक ट्रेनिंग दी जाएगी। बता दें कि शिक्षकों की ट्रेनिंग की शुरुआत जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में शुरू किया जाना है। वहीं आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार बच्चों की पढ़ाई पर असर न पड़े इसके लिए SCERT के द्वारा शिक्षकों को यह ट्रेनिंग 50-50 के बैच में कराई जाएगी। इसके लिए शिक्षा सचिव के द्वारा पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि बैच में एक स्कूल से एक ही शिक्षक को जगह दी जाए। इस ट्रेनिंग में शिक्षकों को विभागीय नियम और कायदों के बारे में औपचारिक जानकारी दी जाएगी। बता दें कि यह ट्रेनिंग 5 दिनों के लिए आयोजित की जाती है। साल 2022 में इतने हजार क्रिमिनल्स को किया गया बिहार में गिरफ्तार। साल 2022 में ऑपरेशन प्रहार के तहत राज्य में कुल 88,649 क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया और साथ ही 2,695 अवैध हथियार और 11,727 कारतूस भी बरामद किए गए। जिन क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी की गई है उनमें हत्या, शराब माफिया, लूट सहित अन्य गंभीर अपराध के लोग शामिल है। इस बात की जानकारी बिहार पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत ब्रज कंपनी के द्वारा की गई है। ADG जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य की जिन टॉप 5 जिलों से सबसे ज्यादा गिरफ्तारी के मामले सामने आए हैं उनमें पटना, गया, मुजफ्फरपुर, सारण और मोतिहारी जिला शामिल है। मार्च 2024 तक बिहार के बिजली कोटा में होगी बढ़ोतरी। बिहार का बिजली कोटा मार्च 2024 तक बिजली, थर्मल पावर प्लांट और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी कि सौर, हवा और जल की मदद से 2800 मेगावाट तक बढ़ जाएगा, जिसके बाद बिहार का बिजली कोटा वर्तमान 5500 से बढ़कर 8300 तक पहुंच जाएगा। इससे गर्मी के दिनों में लोगों को बिजली आपूर्ति करने वाले में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिजली थर्मल पावर प्लांट से 2025 मेगावाट बिजली मिलेगी तो वहीं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 760 मेगावाट बिजली मिलेगी। बिजली कंपनी के द्वारा विनियामक को दी गई जानकारी के अनुसार मार्च 2024 तक बार में पहले फेज की 2 यूनिट से 684 मेगावाट, बक्सर के चौसा में सतलज जल विद्युत निगम द्वारा निर्माणाधीन 2 यूनिट से 1122 मेगावाट और चतरा के नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल पावर प्लांट की 1 यूनिट से 229 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगी। अक्षरा के क्यूटनेस पर दीवाने हुए फैंस। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की दमदार एक्ट्रेस अक्षरा सिंह आए दिन अपने फोटो या वीडियो को लेकर वायरल होती रहती है। इसी कड़ी में एक बार फिर वो अपनी एक वीडियो को लेकर वायरल हो रही है। बता दें कि इस वीडियो में वो अपने क्यूटनेस अंदाज में मस्ती करते नजर आ रही है। अक्षरा सिंह का यह पोस्ट उनके चाहने वालों के लिए दिल जीत लिया है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए अक्षरा सिंह ने लिखा है, किस फॉर यू 2023 का पहला दिन। वही अक्षरा सिंह के इस पोस्ट पर उनके फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, मैम आप कभी कभी बिल्कुल बेबी लगती हैं। तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, हमारी वीडियोस भी देखिए और अगर पसंद आए तो फॉलो करें प्लीज। एक यूजर ने लिखा, आप इतने क्यूट क्यों हो। सूबे के विश्वविद्यालयों में 40% से अधिक सीटें रह गई खाली। राज्य के कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां की सीट अभी भी 40% से अधिक खाली है। बता दें कि इस लिस्ट में BRA बिहार विद्यालय समेत पूर्णिया, मिथिला, मुंगेर, तिलका मांझी विश्वविद्यालय समेत कई विश्वविद्यालयों के नाम शामिल है जहां स्नातक की सीटें खाली पड़ी हुई है। सीटों पर एडमिशन के लिए विश्वविद्यालयों की ओर से 4 बार मेरिट लिस्ट भी निकाला जा चुका है और साथ ही स्पॉट राउंड भी किया जा चुका है, फिर भी खाली सीटों को सभी विश्वविद्यालयों के द्वारा नहीं भरा जा सका। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के विश्वविद्यालयों में बीते वर्ष अगस्त से सत्र 2022-25 के लिए दाखिला लिया गया है जो कि दिसंबर तक चला है। शिवा बनी दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध मैदान पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी।
शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध मैदान पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्पर्स के आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी गई है कि फायर एंड फ्यूरी सैंपर्स की कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में कठिन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कुमार पोस्ट में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। वहीं शिवा के पराक्रम का जश्न मनाते हुए फायर एंड फ्यूरी कॉर्पर्स के द्वारा लिखा गया है ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। नीतीश कुमार ने अपनी बिहार यात्रा का रखा यह खास नाम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 जनवरी से बिहार यात्रा पर जाने वाले हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने इस यात्रा का नाम सोच लिया है। बता दें कि उन्होंने इस यात्रा का नाम समाधान यात्रा रखा है, यानी कि अब नीतीश कुमार 5 जनवरी से समाधान यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन उससे पहले वे 4 जनवरी की शाम को वाल्मीकि नगर पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीतीश कुमार की समाधान यात्रा 5 जनवरी से 7 फरवरी तक चलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री के पास मुख्य रूप से 3 कार्यक्रम होंगे। पहला, योजना से संबंधित क्षेत्र में जाएंगे, चिन्हित समूह के साथ बैठक करेंगे और फिर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। मालूम हो कि इस यात्रा को लेकर विभागों के अपर मुख्य सचिव, जिलों के प्रभारी सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, डीएम और एसपी को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से पत्र भेजा गया है। जेपी नड्डा का बिहार में शंखनाद, मुख्यमंत्री पर कसा शिकंजा। बीते दिन मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आए, जहां उन्होंने वैशाली में जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार बदलाव चाहता है। उन्होंने कहा कि हमें वर्तमान व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। हम गणतंत्र की धरती वैशाली से नीतीश कुमार को प्रजातांत्रिक तरीके से जवाब देंगे। उन्होंने अपनी ओर से जो फैसला लिया वो उन्हें मुबारक, पर उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया है और जनादेश का अनादर किया है। हम कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं बल्कि बिहार का विकास करने के लिए थे। जिस तरह मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया, उसी तरह बिहार को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए जरूरी है कि बिहार में बदलाव हो। नीतीश कुमार के द्वारा राज्य के जनादेश का केवल अपमान हुआ है। नीतीश को शिखंडी कहने पर तेजस्वी का बयान। राज्य के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पूर्व मंत्री और राजद विधायक सुधाकर सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिखंडी कहने पर फटकार लगाई है। बीते दिन मंगलवार को उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह का बयान देते हैं वह भाजपा की नीतियों का समर्थन करते हैं, क्योंकि महागठबंधन बना ही है बीजेपी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि जिस समय महागठबंधन बनी थी उस समय यह बात हो गई थी कि महागठबंधन पर केवल लालू यादव ही तय करेंगे, लेकिन अब अगर कोई ऐसा करता है तो वह भाजपा की नीतियों का समर्थन करता है। हालांकि इस दौरान उन्होंने सुधाकर सिंह का नाम नहीं लिया और कहा कि इस तरह की टिप्पणी देने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे टीम में शामिल होंगे जसप्रीत बुमराह। भारतीय टीम और उनके फैंस को नए साल में एक बड़ी खुशखबरी मिली है। मंगलवार 3 जनवरी को टीम इंडिया के दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के टीम से जुड़ने की खबर मिली है। दरअसल टीम इंडिया के प्राइम तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह फिट हो गए हैं और श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में वापसी करेंगे। उनको श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है, यानी जसप्रीत बुमराह अगले सप्ताह से होने वाले वनडे सीरीज में एक्शन में नजर आएंगे। यह टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फरवरी मार्च में होने वाले बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में वापसी करेंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। ब्रिटिश ईस्ट इंडीज के वायसराय विलिंगटन ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को 1932 में गिरफ्तार किया। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस का उद्घाटन 1972 में हुआ। बांग्लादेश ने भारत को 1998 में उल्फा महासचिव अनूप चेतिया को सौंपने से इनकार किया। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जफर उल्ला खान जमाली के बीच 2004 में इस्लामाबाद में वार्ता आयोजित हुआ। भारत में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के आदेश पर 2010 में शेयर बाजारों के खुलने का समय 1 घंटा पहले सुबह 9 बजे कर दिया गया। 1925 में कवि गोपाल दास नीरज का जन्म हुआ। 1931 में अभिनेत्री निरूपा रॉय का जन्म हुआ। 1965 में अभिनेता आदित्य पंचोली का जन्म हुआ। 1887 में प्रसिद्ध साहित्यकार लोचन प्रसाद पांडे का जन्म हुआ। 1952 में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भारत के 43वें न्यायाधीश T.S. ठाकुर का जन्म हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे साइबर स्वच्छता केंद्र लॉन्च के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे साइबर स्वच्छता केंद्र लॉन्च के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है, यह दावा किया जा रहा है कि नेटवर्क और सिस्टम को प्रभावित करने वाले मैलवेयर और बॉटनेट के विश्लेषण के लिए भारत सरकार द्वारा साइबर स्वच्छता केंद्र लॉन्च किया गया था। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि हां, यह खबर सही है। नेटवर्क और सिस्टम को प्रभावित करने वाले मैलवेयर और बॉटनेट के विश्लेषण के लिए भारत
सरकार द्वारा साइबर स्वच्छता केंद्र लॉन्च किया गया था। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक हिस्सा है। डिजिटल इंडिया पहल का उद्देश्य बॉटनेट संक्रमणों को पता लगाकर सुरक्षित साइबर स्पेस बनाना है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रामनवमी मांझी, रंजीत सिंह, पीयूष कुमार, कुश कुमार यादव, अतीक खान, मृत्युंजय कुमार, नन्नो गोलू कुमार, अमन कुमार महतो, अमर राम मंडल, कुंदन कुमार यादव, अनवर करीम खान, उमेश कुमार, सृष्टि बस्के, बादल कुमार, बाबूलाल कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार के किस व्यक्ति ने बिहार का सबसे ज्यादा नाम रोशन किया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।